पॉलीनोमियल्स के दरमियान फ्रैक्शन का ओवर का साइन आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है वो हम फर्दर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अब पॉलीनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लें, हम लोगों ने क्या सीखा है कि पॉलीनोमियल क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलीनोमियल इफ़ इट हैज़ नो नेगेटिव पार एंड नो फ्रैक्शन पार एंड इट शुड मस्ट बी इन वन वेरिएबल। ये सारे का सारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल में डिफाइन होना चाहिए। तो पॉलीनोमियल इन द अलजेब्रिक पॉलीनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो कह रहे हैं वेयर एन इज द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स, जहाँ पर एन को क्या कहा जा रहा है, हाइएस्ट पावर कहा जा रहा है, और ये क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ए एन से लेकर जो फर्दर है ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन, इन सबको वो क्या कह रहा है, किसका नाम दे रहा है, कॉफिशेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। क्या कह रहा है इसको, कॉफिशेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। और ये किस वेरिएबल में डिफाइन है, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन एक्स में डिफाइन था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं और 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, अपनी पिछली कई क्लासेस में हमने इसको पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर्स हैं, अगर उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनरली हम ले रही हूँ कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक को मैं पी कह रही हूँ और दूसरे को मैं क्या कह रही हूँ, क्यू कह रही हूँ। मैं कहती हूँ इफ़ पी एंड क्यू आर 2 नंबर्स एंड If it can be written as P over Q, यानी इनको P over Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इन पर 2 conditions अप्लाई होती हैं। वो 2 conditions क्या हैं, Q should not be equals to 0, Q को 0 भी नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो हम ये क्या कहते थे कि ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। ये तो बना रैशनल नंबर आ सकता है, उसमें जी आ सकता है इस तरह, लेकिन जो पॉलीनोमियल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, किसी एक वेरिएबल में डिफाइन होते हैं। वो वाई की फॉर्म में हो सकता है, वो एक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो जी की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में होगा। एक चीज़ ये होती है। दूसरा, पॉलीनोमियल होने के लिए ज़रूरी क्या है, क्या कंडीशन है जिस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलीनोमियल है, वो कंडीशन ये है कि उसकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपके पास इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5। इंटीजर्स क्या हैं, जिनके दरमियान ना तो फ्रैक्शन आती है और ना ही डेसिमल आता है, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर है वो अगर नेगेटिव हो जाए, कोई भी एक टर्म है अगर उसकी पावर नेगेटिव हो जाए तो वो पॉलीनोमियल नहीं रहता। पॉलीनोमियल होने के लिए उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, उसमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन फॉर्म अगर होगी तो वो पॉलीनोमियल नहीं रहेगा। ये पॉलीनोमियल इज द वेरिएबल एक्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए ए नॉट। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए वन ए नॉट क्या है, ये इसके कॉफिशेंट्स हैं। ये क्या है, हमारी टर्म्स के कॉफिशेंट्स। आपने पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था 5th चैप्टर में, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है ये 3x स्क्वायर है, तो आप इस 3 को क्या कहते थे, आप इसको कहते थे कॉफिशेंट। क्या बोलते थे, कॉफिशेंट। आप इस x को क्या बोलते थे, इसको आप बोलते थे वेरिएबल। क्या बोलते थे, वेरिएबल। और इस पावर 2 को आप लोग क्या कहते थे, एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता था, एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स के साथ जो टर्म्स आती हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉफिशेंट। तो इसका मतलब है इस पॉलीनोमियल में ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट, ये सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे कॉफिशेंट्स।
और ये जो x की पावर आ रही है n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या नज़र आ रही है, n पावर होगी। हाईएस्ट पावर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन है, 3x² + 8x + 5। सबसे पहले मुझे ये जज करना है कि इज इट अ पॉलीनोमियल आर नॉट, यानी मैंने सब वेरिएबल्स की पावर चेक करना है कि इज इट अ पॉलीनोमियल आर नॉट, यानी मैंने सब वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। इस वेरिएबल की पावर है 2 और इस एक्स की पावर जिस पे कुछ नहीं होता उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है ना तो इसमें कोई नेगेटिव पावर आ रही है और ना ही इसमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, लाइक ना ही 1/2 बन रहा है, ना 1/3 बन रहा है। इसका मतलब है ये पॉलीनोमियल है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या नज़र आ रही है, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, x³ + √2x² + 5x - 3। देखें, आपने वेरिएबल्स को चेक करना है, कोफिशेंट पे अंडर रूट आए, माइनस आए, प्लस आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ किसको चेक करना है, वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है। वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर है 3, ठीक हो गया। x वेरिएबल, उसकी पावर क्या नज़र आ रही है, 2 प्लस, ठीक हो गया। x है, उसकी पावर क्या नज़र आ रही है, 1, यानी सारी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल हो गया और ये भी क्या हो गया, पॉलीनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं, आपके पास नज़र आ रहा है x² + यानी x की पावर कितनी नज़र आ रही है, +2, ठीक हो गया। ये क्या आ रहा है, अंडर रूट x। अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करें तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट x है, किसी भी टर्म के ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो हम अंदर वाली पावर देखते हैं, वो क्या नज़र, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1। उसके बाद जब अंडर रूट को ख़त्म किया जाता है, देखिए पावर किस फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और मैंने कहा था जब भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में बन जाएगी तो वो पॉलीनोमियल, चाहे एक की हो चाहे एक से ज़्यादा हो। अब ये एक की जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में बन गई है, इसका मतलब है ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है, तो हम कहेंगे नहीं, ये इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखें 3x² + 2x + 8 और अंडर रूट फ्रैक्शन ओवर, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, और नीचे आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 3x + 4। अब बताएं कि ये आपके पास पॉलीनोमियल है या नहीं, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि ये अगर ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म आ गया और अब ये हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं रहा। क्या है ये, आगे फर्दर मैं आपको जाके बताऊंगी कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो हम, ये दोनों पॉलीनोमियल है, ऊपर भी एक पॉलीनोमियल है और नीचे भी एक पॉलीनोमियल, क्योंकि ऊपर भी किसी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और नीचे भी किसी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये दोनों पॉलीनोमियल्स हैं। लेकिन अगर कोई से दो पॉलीनोमियल्स के दरमियान फ्रैक्शन का ओवर का साइन आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो हम फर्दर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अब पॉलीनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लें, हम लोगों ने क्या सीखा है कि पॉलीनोमियल क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलीनोमियल इफ इट हैज़ no negative power and no fraction power and it should must be in one variable. ये सारे का सारा expression क्या होना चाहिए, एक variable में define होना चाहिए। तो polynomial in the algebraic, a polynomial in the variable x is an algebraic expression of the form p of x is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus अप टू सो ऑन प्लस a1x + a0। तो कह रहे हैं वेयर n इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x, जहाँ पर n को क्या कहा जा रहा है, हाइएस्ट पावर कहा जा रहा है, और ये क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और a n से लेकर जो फर्दर है an - 1, an - 2 अप टू सो ऑन, इन सबको वो क्या कह रहा है, किसका नाम दे रहा है, कॉफिशेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। क्या कह रहा है इसको, कॉफिशेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, और ये किस वेरिएबल में डिफाइन है, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन एक्स में डिफाइन था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं और 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, अपनी पिछली कई क्लासेस में हमने इसको पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर्स हैं, अगर उन
को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैं जनरली हम ले रही हूँ कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक को मैं पी कह रही हूँ और दूसरे को मैं क्या कह रही हूँ, क्यू कह रही हूँ. मैं कहती हूँ इफ़ पी एंड क्यू आर टू नंबर्स एंड इफ इट कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू, यानी इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. लेकिन इन पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं. वो दो कंडीशन क्या हैं, क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू को ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए. ठीक है, तो हम ये क्या कहते थे कि ये क्या बन गया, रैशनल नंबर. ये तो बना रैशनल नंबर. अब रैशनल उसकी पावर क्या है, थ्री. वेरिएबल क्या है एक्स, उसकी पावर क्या है टू. इसमें कोई वेरिएबल शामिल नहीं है, यानी जितने भी वेरिएबल्स शामिल थे उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव में है. इसका मतलब है ऊपर वाला तो पॉलीनोमियल है. अब नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉलीनोमियल की तरफ आ जाते हैं. इसमें कोई वेरिएबल शामिल नहीं है. इसमें जो एक्स शामिल है उसकी पावर क्या है वन, और इसमें जो वेरिएबल शामिल है एक्स उसकी पावर क्या है टू. यानी नीचे भी जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं. इसका मतलब है ये भी आपके पास पॉलीनोमियल है. अब जब ऊपर भी एक पॉलीनोमियल मौजूद है और नीचे भी क्या है एक पॉलीनोमियल मौजूद है और उनके दरमियान क्या है कोशेंट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन. इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ. आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई. अगर आएगी तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह से हम छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स को लेके चलेंगे आगे, और जहाँ पर भी डिफ़िकल्ट होगी वो मैं आपको समझाती रहूँगी. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़. पावर क्या नज़र आ रही है, वन. दोनों पावर्स, दो जितने भी वेरिएबल्स इसमें शामिल थे उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है. इसका मतलब है येस इट इज़ अ पॉलीनोमियल. इसका आंसर क्या होगा, येस इट इज़ अ पॉलीनोमियल. फॉर नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ी हूँ, उसे आप खुद करेंगे और बताएंगे कि क्या वो पॉलीनोमियल है या फिर नहीं है. आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट. मैंने अभी अभी आपको बताया कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या थे, कि अगर दो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन के दरमियान कोशेंट का साइन आ जाए, किसका साइन आ जाए, कोशेंट का साइन आ जाए, तो आप क्या कहते हो कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है. अब फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो वो आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चे, वो नज़र आ रहा है थ्री अंडर रूट एक्स ओवर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5. मैं ऊपर वाली को चेक करती हूँ, मुझे जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो अंडर रूट में नज़र आ गई, यानी मैं अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगी तो ये बन जाएगी 3x की पावर 1/2. इसका मतलब है ऊपर वाला तो पॉलीनोमियल नहीं रहा. कोई एक भी पॉलीनोमियल नहीं रहता तो वो आप लोगों के पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा. अब ऊपर वाला ही जब गलत हो गया, ऊपर वाला पॉलीनोमियल नहीं रहा, नीचे वाले को भी अगर आप देखें तो वो भी पॉलीनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब है नो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आती हूँ. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स की स्क्वायर. आपने ऊपर वाले पॉलीनोमियल को अलग से चेक करना है और नीचे वाले पॉलीनोमियल को अलग से चेक करना है. चाहो तो अपनी आसानी के लिए इसको कह लो पी ऑफ एक्स और इसको क्या कह लो क्यू ऑफ एक्स. अगर मैं ऊपर वाले पॉलीनोमियल को चेक करूँ तो वो क्या है, वेरिएबल्स की पावर्स देखनी है. वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर क्या है 3. वेरिएबल क्या है एक्स, उसकी पावर क्या है 2. इसमें कोई वेरिएबल शामिल नहीं है, यानी जितने भी वेरिएबल्स शामिल थे उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव में है. इसका मतलब है ऊपर वाला तो पॉलीनोमियल है. अब नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉलीनोमियल की तरफ आ जाते हैं. इसमें कोई वेरिएबल शामिल नहीं है. इसमें जो एक्स शामिल है उसकी पावर क्या है 1, और इसमें जो वेरिएबल शामिल है एक्स उसकी पावर क्या है 2. यानी नीचे भी जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं. इसका मतलब है ये भी आपके पास पॉलीनोमियल है. अब जब ऊपर भी एक पॉलीनोमियल मौजूद है और नीचे भी क्या है एक पॉलीनोमियल मौजूद है और उनके दरमियान क्या है कोशेंट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन. इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ. आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई. अगर आएगी रैशनल एक्सप्रेशन है. ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलीनोमियल्स, अगर आपके पास दो पॉलीनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स और दे कैन बी रिटन एज पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू एक्स
क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी यही कहेंगे कि क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू द ज़ीरो। और जैसे यहाँ पर कंडीशन लगती है कि p और q दोनों का जो है इंटीजर होना ज़रूरी है, यहाँ पर क्या कंडीशन लगती है कि p ऑफ x और q ऑफ x दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन आ गई आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन की। द कोशेंट, कोशेंट कहते हैं फ्रैक्शन को, ओवर को, द कोशेंट p ऑफ x ओवर q ऑफ x अप टू पोलिनोमियल्स p of x and q of x, where q of x should not be equals to the zero, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है q of x not equals to the zero, is called a rational expression। आगे उसने, आपने भी हज़ारी बात है, हर डेफिनेशन इस सूरत में कंप्लीट होती है अगर आप उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल दें। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नज़र आ रही है, आपको एक एग्जाम्पल (2x + 1)/(3x + 8) ऊपर भी एक पोलिनोमियल नज़र आ रहा है और नीचे भी क्या नज़र आ रहा है, एक पोलिनोमियल नज़र आ रहा है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल, यस और नो। जो पॉलीनोमियल होंगे उनके सामने येस लिख देना है, और जो पॉलीनोमियल नहीं होंगे उनके सामने क्या लिख देना है, नो। मैंने क्या बताया पॉलीनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, और ना तो नेगेटिव होनी चाहिए पावर और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में। फर्स्ट अगर देखें 3x², मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है 3x² + 1/x - 5। ये देखो, ये तो आ गया 3x². बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद है आप अच्छी सेहत में होंगी और पढ़ाई में भी आपका पूरा ध्यान होगा। एक्चुअली मैंने ये छोटा सा ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है या किस बारे में बात की जा रही है, तो चलें हम थोड़ा थोड़ा इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको गाइडलाइन दे दिया करूँगी। जैसे कि 4 चैप्टर मैंने कहा था हम स्टार्ट करेंगे, तो 4 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। सबसे पहले हमें सीखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहा जाता है, अलजेब्रा क्या है। हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक ABCD, एंड नंबर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4। जब हम एक अल्फ़ाबेट को हम किसी नंबर के साथ रिलेट कर देते हैं लाइक 2x, 3x, 9y, 4y² इस तरह की टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू, यानी अननोन टर्म्स आ जाती हैं, तो ये किस में चला जाता है, अलजेब्रिक टर्म्स बन जाती हैं। कैसी टर्म्स बन जाती हैं, अलजेब्रिक टर्म्स। फिर अगर हम उनके दरमियान प्लस या माइनस के साइंस एंटर कर दें, उनके अंदर पुट कर दें उनके लाइक 5x + 9y, 3y + 4y, xy इस तरह के एक्सप्रेशंस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक, यानी हम किसी अरिथमेटिक, क्या होता है हमारे पास नंबर्स होते हैं अरिथमेटिक, हम जैसे 2+1 पढ़ते हैं, 3+1, इन सब को क्या करते हैं हम लोग अरिथमेटिक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं इनको अननोन वेरिएबल्स के साथ रिलेट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स में। और जब यही बात वो यहाँ पर कर रहा है, एंड व्हेन ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड, और जब हम इन अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर प्लस या माइनस के साइन को अप्लाई कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात आ रही है आपके पास पॉलीनोमियल्स की। पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल होते हैं ये किसी एक ही वेरिएबल में डिफाइन होते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें कई वेरिएबल्स आ सकते हैं, लाइक उसमें एक्स आ सकता है, उसमें वाई आ सकता है, उसमें जी आ सकता है, इस तरह। लेकिन जो पॉलीनोमियल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, किसी एक वेरिएबल में डिफाइन होते हैं, वो वाई की फॉर्म में हो सकता है, वो एक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो जी की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में होगा, एक चीज़ ये होती है। दूसरा, पॉलीनोमियल होने के लिए ज़रूरी क्या है, क्या कंडीशन है जिस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलीनोमियल है, वो कंडीशन ये है कि उसकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपके पास इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, +1, +2, +3, +4, +5। इंटीजर्स क्या हैं, जिनके दरमियान ना तो फ्रैक्शन आती है और ना ही डेसिमल आता है, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1, -2, -3। ठीक है,
अगर किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर है वो अगर नेगेटिव हो जाए, कोई भी एक टर्म है अगर उसकी पावर नेगेटिव हो जाए तो वो पॉलीनोमियल नहीं रहता। पॉलीनोमियल होने के लिए उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, उसमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी फ्रैक्शन फॉर्म अगर होगी तो वो पॉलीनोमियल नहीं रहेगा। ये पॉलीनोमियल इज द वेरिएबल एक्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P of x is equals to a n x n plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2 up to so on a 1 x plus a z a naught। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये जो a n minus 1 a n minus 2 up to so on a 1 a naught क्या है। ये इसके coefficients हैं। ये क्या है? हमारी terms के coefficients। आपने पढ़ा हुआ है, for example आपके पास आ जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था 5th चैप्टर में, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि 3x² है, तो आप इस 3 को क्या कहते थे? आप इसको कहते थे कॉफिशेंट। क्या बोलते थे? कॉफिशेंट। आप इस x को क्या बोलते थे? इसको आप बोलते थे वेरिएबल। क्या बोलते थे? वेरिएबल। और इस पावर 2 को आप लोग क्या कहते थे? एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता था? एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स के साथ जो टर्म्स आती हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉफिशेंट। तो इसका मतलब है इस पॉलीनोमियल में a n माइनस 1 a n माइनस 2 a 1 a नॉट ये सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे कॉफिशेंट्स। और ये जो x की पावर आ रही है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या नज़र आ रही है? n पावर होगी। हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 8x प्लस 5। सबसे पहले मुझे ये जज करना है कि इज इट अ पॉलीनोमियल आर नॉट, यानी मैंने सब वेरिएबल्स की पावर चेक करनी।